नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय। बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल डीकेवी चैनल पे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पीकर में स्पीकर का जो मैग्नेट होता है, अगर हम एक्स्ट्रा लगाते हैं तो क्या इसका पावर बढ़ जाता है, क्या फ्रिक्वेंसी में भी उतार चढ़ाव होता है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे असेंबल स्पीकर या कुछ ब्रांडेड स्पीकर भी हो सकते हैं जिसमें एक स्पीकर के ऊपर इस तरीके से मैग्नेट लगा रहता है। अभी हम इसमें ट्रिपल मैग्नेट लगा दिए हैं। कुछ स्पीकर में दो ही मैग्नेट लगा रहता है और कुछ स्पीकर में ट्रिपल मैग्नेट लगा के भी आता है। अब हम यहाँ पे क्या है कि जो स्पीकर में लोग लगा करके देते हैं मैग्नेट, इसका जो ये प्लेट जो लगा हुआ है ऊपर और नीचे का, इसको हटा करके ओनली मैग्नेट लगा रहता है। इसके बाद इसके एक बाहरी सतह से और निचली सतह से दो प्लेट लगा होता है। लेकिन अभी हमने एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे मैग्नेट को लगाया है, तो इससे वाट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बेस की फ्रिक्वेंसी आएगी कि नहीं आएगी, सभी मैं क्लियर कर देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिएगा आप लास्ट तक। तो अभी आपने देखा कि ये दो मैग्नेट है। अगर आपका ये जो स्पीकर पुराना हो चुका है, काफ़ी बार लोगों को पता नहीं हो पाता है कि मेरा ये मैग्नेट चार्ज है कि चार्ज नहीं है, तो उसके लिए हम किसी लोहे की धातु को जब चिपकाते हैं इसमें तो उसमें चिपकता बहुत तेज़ी से है, तो हम समझ लेते हैं कि स्पीकर ये फुल चार्ज है। अगर स्पीकर लो हो जाता है तो धातु को, लोहे की धातु को चिपकाने से वो अच्छी तरीके से पकड़ नहीं बनाता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि अगर हम इस प्रकार के इस पर रखते हैं मैग्नेट तो बहुत तेज़ी से ये पकड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो मैग्नेटिक है ये इस पर भी जा रहा है और इन दोनों का मैग्नेटिक नीचे वाले पर भी जा रहा है। एक छोटा सा हम यहाँ पे सिंपल लेते हैं, ये मेरे पास है 150 वाट का मैग्नेट, इसको हम अभी बाहर निकालते हैं। बहुत तेजी से चिपका हुआ है और ये छोड़ नहीं रहा है, तो इसको हम इसको ड्राइवर की सहायता से निकालेंगे। इसमें क्या है कि हाथ भी चिपक सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो अभी हम इसको बाहर निकाल लिए हैं। इस 200 वाले मैग्नेट को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको हम बाहर निकाल लिए। ये मेरे पास पुराना स्पीकर है और इससे भी पुराना ओहुजा का ये 12 इंच वाला 150 वाट वाला मैग्नेट है। और एक है, अभी मैं इसको लाया हूँ देसी वाला, ये भी मेरा न्यू ही चार्जिंग मैग्नेट है। अगर इस पर हम स्क्रू ड्राइवर को रखें तो इसका मैग्नेटिक चार्जिंग बता रहे हैं, यानी कि ये छोड़ नहीं रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो और ज़्यादा बता रहा है चार्जिंग, देखिए कुछ ज़्यादा प्रेशर लगाने पर ये बता रहा है। और वही 150 वाट वाले मैग्नेट का ये थोड़ा सा दम देख सकते हैं कि नॉर्मली है, दम देख लीजिए एकदम ऐसे ये छोड़ रहा है, लेकिन इसको ऐसे करने पर ये ऐसे, लेकिन इसको इस प्रकार से करने पर ये नहीं छोड़ रहा है इतना जल्दी। आपने देखा होगा कि कई ऐसे स्पीकर होते हैं जिसका ये मैग्नेट थोड़ा मोटा होता है और इसका ये जो चौड़ाई होता है इसका, ये थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। सपोज डैट जैसे कि ये यहाँ तक आ रहा है मैग्नेट, तो ये थोड़ा सा बाहरी सतह तक भी जाएगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा भी होगा। ये उस मैग्नेट में 2 इंच का ही कॉइल लगता है और उसकी वाटें थोड़ा सा बढ़ जाती है। लोग 300 वाट 250 वाट ऐसे बना करके देते हैं, तो आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी है, जो आवाज़ आउटपुट अच्छे तरीके से करता है, वो इस मैग्नेटिक की चार्जिंग की वजह से ही करता है। अगर मैग्नेट चार्जिंग नहीं रहेगा तो अगर हम बेस को बढ़ाते हैं लो फ्रिक्वेंसी को, तो वहाँ पर आवाज़ भरभराहट जैसा सुनाई देने लगता है। अगर मैग्नेट अच्छी तरीके से चार्ज रहता है तो भरभराहट
फड़फड़ाहट जैसी आवाज़ को वो प्रोवाइड नहीं करवा पाता है। अगर आप मैग्नेट को लगा देते हैं तो इसका जो चुंबकीयकरण है, ये जो चुंबकीय है, ये कहीं ना कहीं से इसके में भी, इसके क्वाल तक भी मैग्नेट ये बनाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये इसका वाट थोड़ा सा बढ़ जाएगा और फ्रिक्वेंसी में भी बदलाव हो जाएगा। मैग्नेट लगाने के लिए सोच रहे हैं तो इसका ये जो प्लेट है आगे का और पीछे का हटा करके, और इसका ये प्लेट हटा करके चुंबक को पेस्ट से लगाने के बाद, इसके बाद चुंबक चिपकाने के बाद, चुंबक जब ये कहीं में सड़ जाएगा तो प्लेट ऊपर से भी लगाया जाता है। उससे क्या फील होता है कि मैग्नेटिक थोड़ा सा अच्छा बनता है। अब दोस्तों आपने यहाँ पे स्पीकर पर एक केयर किए होंगे, एक कैप का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको बेस की फ्रिक्वेंसी चाहिए तो इस वाले कैप को लगाएं, अगर मिड और ट्रेबल की फ्रिक्वेंसी चाहिए बेस के साथ, थोड़े बेस के साथ, तो ऊँटा वाला कैप को लगाएं, जो कि इस प्रकार से ग्लास कैप आता है इसका। इसके और इसके में दोनों में काफ़ी अंतर है। इसमें ओनली बेस आता है और मिड ट्रेबल बहुत थोड़ा कम आता है, लेकिन इसमें आपको ट्रेबल और मिड दोनों सुनने को मिलेगा बेस के साथ। अब हम इसमें ऑडियो को लगा करके देखेंगे कि ये फ्रिक्वेंसी का क्या रिस्पांस है इसका। मैग्नेट को अभी लगने देते हैं, इसके बाद ऑडियो को चेक करने के बाद फिर हम इस मैग्नेट को बाहर निकाल देंगे, तब हम देखेंगे कि क्या ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसके दोनों मैग्नेट को हम बाहर निकाल लेते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या रिस्पांस देता है। अब इसका मैग्नेट को हम बाहर निकाल लिए हुए हैं जो एक्स्ट्रा लगाए थे। अब इसके बाद हम चेक करते हैं सेम वॉल्यूम पर कि अब ये क्या रिस्पांस बता रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैग्नेट को हटाने पे बहुत ज़्यादा तो था, लेकिन थोड़ा सा इसमें नॉइज आ रहा था, यानी कि भड़बड़ाहट आ रहा था। मैग्नेट को लगाने के बाद वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा था, कुछ सही समझ में आ रहा था। दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस यही तक, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।